गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई नेम इज पवन सौ एंड माई सब्जेक्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, हिंदी में इसे कहते हैं उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर है वो एक लेटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर एक लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना है। हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हिंदी में इसे कहते हैं बगीचा या उद्यान। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, क्या? कल्टीवेशन, खेती करना। कल्चर का यहां पर इस्टैब्लिशमेंट भी लिख सकते हैं। कल्चर का मतलब इस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापित करना, बगीचा या उद्यान को स्थापित करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या होगी? फिर उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न उद्यानिकी क्रियाएं, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न उद्यानिकी क्रियाएं जैसे फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाता है। हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है भी? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर केएल चड्डा, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर केएल चड्डा। यानी कि उद्यान विज्ञान का पिता में या उद्यान विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर केएल चड्डा को। क्या बताया मैंने, उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है इस्टैब्लिशमेंट या फिर कल्टीवेशन, खेती करना। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न उद्यानिकी क्रियाएं जैसे फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर केएल चड्डा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज। जैसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, उसी प्रकार हॉर्टिकल्चर की भी ब्रांचेज है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, पहली ब्रांच है इसकी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है वो ग्रीक व लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी है वो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं के से मिलकर के बनाया गया शब्द है। यानी कि पोमोलॉजी दो भाषा से मिलकर के बना शब्द है, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा।
पोमोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना गया शब्द है, पोमोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना शब्द है, पोमोस और लोगोस। पोमोस का अर्थ होता है फ्रूट, पोमोस का अर्थ क्या होता है फ्रूट, यानी कि हिंदी में से कहते हैं फल, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो पोमोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, उद्यान विज्ञान की वह शाखा, यानी किसकी शाखा है, उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी है वो ग्रीक और लैटिन दो भाषाओं से मिलकर के बना गया शब्द है। इसकी दूसरी ब्रांच है वो है ओलेरिकल्चर, कौन सी है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर के बना है भी, ओलेरी और कल्चर। ओलेरी का मतलब होता है साग और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। कल्चर का मतलब होता है खेती करना। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर कहलाता है। तीसरी इसकी ब्रांच है वो है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है वो भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड। फ्लोरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। फ्लोरी और कल्चर, फ्लोरी का अर्थ होता है फ्लोवर यानी कि फूल, और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की खेती की जाती है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसी का एक भाग है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, इसी का एक पार्ट है क्या, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या होता है भी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग
ऑर्नामेंटल का अर्थ होता है अलंकृत, गार्डनिंग बागवानी, तो इसे हिंदी में कहते हैं अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की भैंसा का अलंकृत बागवानी है, वो उद्यान विज्ञान की भैंसा का है, जो जिसमें क्या होता है उद्यान विज्ञान की एक आध्यात्मिक और कलात्मक अंग है। अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की आध्यात्मिक व कलात्मक अंग है। अलंकृत बागवानी से तात्पर्य सौंदर्य व सजावट के लिए उद्यानों में एक वर्षीय द्विवर्षीय व बहुवर्षीय पौधों को उगाने से है। ठीक है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है वो फ्लोरिकल्चर के अंदर ही पढ़ा जाता है। चौथी ब्रांच है इसकी नर्सरी हस्बेंड्री एंड ऑर्चिड मैनेजमेंट, नर्सरी हस्बेंड्री एंड ऑर्चिड मैनेजमेंट। उद्यान विज्ञान की भैंसा का जिसमें उद्यान विज्ञान की भैंसा का जिसमें पौधशाला व उद्यानिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है नर्सरी हस्बेंड्री एंड ऑर्चिड मैनेजमेंट कहलाता है। ऑर्चिड से क्या मतलब होता है भी, ऑर्चिड ऑर्चिड है वो फल वाले पौधों के लिए, ऑर्चिड शब्द का प्रयोग फल वाले पौधों के लिए किया जाता है। कौन से पौधों के लिए किया जाता है, फल वाले पौधों के लिए किया जाता है। पांच नंबर ब्रांच कौन सी है इसकी, फ्रूट फ्रूट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। फ्रूट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट उद्यान विज्ञान की भैंसा का जिसमें फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण क्या प्रसंस्करण परिरक्षण भंडारण व संग्रहण। उद्यान विज्ञान की भैंसा का जिसमें फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण परीक्षण भंडारण संग्रहण आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि फल एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। छठी इसकी ब्रांच है वो है विटिकल्चर। विटिकल्चर है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है विटिकल्चर है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन से शब्दों से, दो शब्दों से, विटिस
और कल्चर, विटीज का मतलब होता है अंगूर और कल्चर कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है विटी कल्चर कहलाता है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है विटी कल्चर कहलाता है। इसके बाद सात नंबर ब्रांच आती है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी उद्यान विज्ञान की वह शाखा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें चाय की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। चाय की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो इसे सीरोलॉजी कहते हैं। आठ नंबर ब्रांच है प्लांटेशन क्रॉप, या इन्हें हिंदी में कहते हैं रोपण फसल। डेफिनेशन क्या होगी? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिनमें ऐसी फसलों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें विस्तृत क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, तुड़ाई व प्रोसेसिंग के बाद इनको काम में लिया जाता है। यानी कि प्लांटेशन क्रॉप रोपण फसलें होती है, उन्हें प्रोसेसिंग के बाद ही काम में लिया जाता है, पहले यूज में नहीं ले सकते। जैसे एग्जाम्पल है इसके चाय, कॉफी, सुपारी, नारियल, काजू। चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कॉफी एक उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। कॉफी उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। सुपारी, सुपारी उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप या रोपण फसल के एग्जाम्पल है। चाय, चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। सुपारी उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन, नारियल है, इसे कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई इसे। और काजू उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में काजू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और काजू के निर्यात में भी भारत का प्रथम स्थान है। काजू को बंजर भूमि की खान भी कहा जाता है क्योंकि इसे बंजर भूमि में भी उगाया जा सकता है। अगली ब्रांच है इसकी स्पाइसेस क्रॉप। वे फसलें उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मसाले वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है स्पाइसेस क्रॉप कहलाती है। जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी, लौंग, जीरा इत्यादि। स्पाइसेस क्रॉप मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलों में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। मसाले वाली फसलों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दस नंबर पे आती है
मेडिसिन करो। बे पौधे या उनके भाग, बे पौधे या पौधों के भाग जिनका उपयोग किसी रोग के उपचार के लिए किया जाता है उन्हें मेडिसिन क्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडिसिन क्रोप। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मूसली आदि। यह सब किसके अंदर पढ़ा जाता है? मेडिसिनल क्रोप के अंदर पढ़ा जाता है, मेडिसिनल क्रोप के अंदर। इसकी 11 नंबर ब्रांच है वो है अर्बोरी कल्चर। आर्बोरिक कल्चर यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्बोर और कल्चर। अर्बोर का अर्थ होता है कास्टी, कास्टी या बुड्डी, लकड़ी हो उसमें, और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन, यानी कि उद्यान विज्ञान की भाषा का जिसमें व्यक्तिगत पेड़ झाड़ियों व लताओं का अध्ययन किया जाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। उद्यान विज्ञान की भाषा का जिसमें व्यक्तिगत पेड़ झाड़ियों एवं लताओं का अध्ययन किया जाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ओके, थैंक यू।